हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। किसी के मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले होता है तो किसी की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। किसी के जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर किसी का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल पाता। किसी को मन चाहा प्रमोशन नहीं मिलता तो किसी की तबीयत हर बार ख़राब रहती है। अब इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। हो सकता है आपके जन्म लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार हो जिस वजह से आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। हो सकता है आपको शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रही हो। हो सकता है आपका शनि बहुत पीड़ित हो, या फिर अगर आपके मारक दशा की महादशा अंतरदशा चल रही हो तब भी ये प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा नजर दोष यानी एविल आय, काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु केतु से होने वाले प्रॉब्लम्स, इन सब रीजन से भी इंसान बहुत सारे मुसीबतों का सामना करता है। तो ऐसे में कौन सा एक उपाय किया जा सकता है हर अमावस्या के दिन, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिलेगा, यही इस वीडियो का आज का टॉपिक है। इस वीडियो के थ्रू मैं हर एक राशि के व्यक्ति के लिए कोई एक ऐसा पावरफुल उपाय बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है हर अमावस्या के दिन। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, या फिर अगर आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, पीड़ित है, और आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में आप ये सिर्फ एक पावरफुल उपाय कीजिए हर अमावस्या के दिन, जिससे आपकी जीवन से जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी दूर हो जाएगी। हो सकता है किसी को एविल आय का प्रॉब्लम हो यानी नज़र दोष का प्रॉब्लम हो, किसी को ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम हो, किसी के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसे में ये उपाय करने से आपके जीवन से जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर चली जाएगी। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ यू ऑल कैन ईमेल मी एट ekta.khodkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अमावस्या के दिन मेष राशि वाले लोगों ने अपने घर में होम हवन ज़रूर करना चाहिए, और इसके अलावा भगवान शिव जी की पूजा आराधना भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर मेष राशि वाले जातक हर अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं और अपने घर में हवन करते हैं तो उनको विशेष फल की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले लोगों ने अमावस्या के दिन किसी ऐसे कुएं में जिसमें पानी हो, ऐसे कुएं में एक चम्मच कच्चा दूध ज़रूर अर्पण करना चाहिए। यानी कुएं में सिर्फ आपको एक चम्मच दूध डाल देना है। अगर आप ऐसा हर अमावस्या के दिन करते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले लोगों ने अमावस्या की रात को यानी रात के समय आपको क्या करना है, एक पानी वाला नारियल तोड़ना है, और उसे तोड़ के उसके 5 इक्वल पार्ट्स करके वो पार्ट्स आपको यानी वो जो पूरा नारियल है वो आपको शिव जी को अर्पण करना है, शिवलिंग के सामने आपको रख देना है श्रद्धा भाव से। अगर आप ऐसा हर अमावस्या की रात को करते हैं तो मिथुन राशि वाले लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। कर्क राशि वाले लोगों ने क्या करना है, अमावस्या की रात को आप किसी भी मंदिर चले जाइए। अब मंदिर बंद होने से पहले 8:30-9 के करीब आप अमावस्या की रात को किसी भी मंदिर चले जाइए, और वहाँ पे पंडित जी के हाथों से अपने कलाई के ऊपर कोई भी अभिमंत्रित मौली या फिर जो धागा होता है उसे बांध लीजिए। अगर आप ऐसा हर अमावस्या को करेंगे तो आपके जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। अमावस्या टू अमावस्या आपको क्या करना है, पुराना वाला धागा जो आप हाथ में बांधेंगे, जो मौली आप देंगे, उसे आपको निकाल के प्रवाहित कर देना है साफ पानी में, और मंदिर जाकर पंडित जी के हाथ से आपको अभिमंत्रित मौली फिर से नई बांध लेनी है। कई बार लोग मंदिर में भी धागे बांधते हैं, तो आप वहां से भी भगवान के सामने से कोई धागा उठा के पहन सकते हैं, या फिर अपने घर से भी धागा लेकर जा सकते हैं और पंडित जी के हाथ से मंत्रोच्चार के साथ वो धागा पहन सकते हैं। सिंह राशि वाले लोगों ने अमावस्या की रात को किसी काले कुत्ते को तेल लगाई हुई रोटी अवश्य खिलानी चाहिए, इससे आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। कन्या राशि वाले लोगों ने अमावस्या की रात को एक नींबू अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है यानी वारना है, और उस नींबू को 7 बार वार के उसके 4 इक्वल पार्ट्स करके उसे किसी चौरस्ते पर रख के आ जाना है। अगर आप ऐसा हर अमावस्या की रात को करते हैं तो उससे आपके जॉब में या फिर बिजनेस में बहुत लाभ होगा। तुला राशि वाले लोगों ने हर अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, उससे उनके जीवन में काफ़ी तरक्की होगी।
वृश्चिक राशि वाले लोगों ने अमावस्या की रात को किसी साफ बहते हुए पानी में 5 रेड कलर के फ्लावर्स और 5 दिए प्रवाहित करने चाहिए। इससे वृश्चिक राशि वाले लोगों को धन लाभ होगा। धनु राशि वाले लोगों ने अमावस्या के दिन किसी भी भगवान के मंदिर जाकर घी का एक दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। अगर आप ये प्रयोग हर अमावस्या को करते हैं तो उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। घी का ही दीपक जलाना है, एक ही दिया जलाना है और कोशिश कीजिए कि महादेव के मंदिर आप चले जाएं, या फिर अगर नहीं पॉसिबल तो आप किसी भी भगवान के मंदिर जा सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों ने अमावस्या की रात को अपने पूरे बॉडी के ऊपर से 7 बार नींबू वारना है यानी घुमाना है और उस नींबू को अपने ऊपर से उतारने के बाद उसे चौरस पेपर रखकर आ जाना है। अगर आप ऐसा हर अमावस्या की रात को करेंगे तो उससे आपका जितना भी एविल आई का प्रॉब्लम है, नज़र दोष का प्रॉब्लम है या फिर ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम है वो अवश्य दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों ने हर अमावस्या की रात को किसी काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाई हुई रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। उससे उनकी लाइफ में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। मीन राशि वाले लोगों ने हर अमावस्या की रात को किसी भी मंदिर जाकर अभिमंत्रित कलावा गुरुजी के हाथ से अपने कलाई पे ज़रूर बांध लेना चाहिए। उससे उनके लाइफ में आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं वो टल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने जन्म लग्न कुंडली के बारे में या फिर अपने प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पता है तो ऐसे में आप अपने राशि के अनुसार ये उपाय हर अमावस्या के दिन ज़रूर कीजिए और 6 महीने के अंदर आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपने क्वेरीज के लिए मुझे ekta.khodkar@gmail.com इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।